हेलो दोस्तों, आज सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम बंद के बारे में बताएंगे। आदेश 8 नियम बंद में लिखित कथन के प्रावधान किए गए हैं। प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दिया जाता है और वादी द्वारा दिया जाने वाला वाद पत्र होता है। तो हम आज लिखित कथन की बात करते हैं। जैसे हम किसी के खिलाफ मुकदमा डालते हैं, मुकदमा डालने पर हम अपने बात पत्र में सब अपनी बातें लिखते हैं। उन्हीं बातों के खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा के लिए हम कोर्ट में लिखित कथन दाखिल करते हैं। हमें सम्मन प्राप्त होता है। सम्मन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर कोर्ट में लिखित कथन दाखिल करना होता है। यदि 30 दिनों के अंदर हम लिखित कथन कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट में लिखित कथन दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा 90 दिन है। 90 दिन समय सीमा आपको ऐसी दी जाएगी कि कोई युक्तियुक्त कारण होंगे, उन कारणों को लेखबद्ध करने के उपरांत आपको 90 दिन का समय दिया जाएगा WS दाखिल करने का। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम बंद में लिखित कथन की समय सीमा 30 दिन और अधिकतम समय सीमा 90 दिन दी गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।